बात बाढ़ और बारिश की तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में 6 जगहों पर भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है और मलबे से अब तक 44 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। लापता लोगों की तलाश जारी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हो रही मूसलाधार बारिश आफत बनकर टूटी है। 6 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें कई गांव मलबे में तब्दील हो गए हैं। मलबे से अब तक 44 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 35 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। रायगढ़ के महाड़ प्रखंड के तलिए गाँव में गुरुवार को लैंडस्लाइड से चट्टान दरक कर गाँव में गिर गई, जिसमें 32 से ज्यादा घर दब गए। मलबे से अब तक 44 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। मलबे से लगातार शव निकल रहे हैं, इससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। वहीं पोलादपुर में चट्टान खिसकने से बड़ी दुर्घटना हो गई। यहां भी गोवेल पंचायत के सुतारवाड़ी में लैंडस्लाइड से 10 घर ढह गए। अभी तक मलबे से 11 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। सतारा के पाटन में भी लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई, जहां चट्टान दरकने से 4 घर मलबे में दब गए, जिसमें 14 लोग रह रहे थे। मलबे में दबे शवों की तलाश जारी है, जबकि देवरुखवाड़ी में 27 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।